वो गिर गया, ये देखो ये गिरा, अपने वाले ले गए। नहीं 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 नहीं, अपने वाले ले गए ले गए ले गए ले गए। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ सम में, और यहाँ पे सम में चल रहा है डेजर्ट फेस्टिवल का तीसरा दिन, तो पहुंच चुका हूँ। भीड़ दिखाता हूँ, पहले भीड़ बहुत ज्यादा है। तो ये देखो यहाँ पे भीड़ कितनी ज्यादा है, और अभी जो फेस्टिवल है वो स्टार्ट हो गया, उस तरफ में पूरा खचाखच भरा हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो सामने आप देख रहे हैं ना, एक घोड़ी है, इनका मतलब डांस हुआ था इसके ऊपर, जो चार पहिया है इसके ऊपर में। और अभी उधर से कैमल रेस हो रही है, सामने से आ रहे हैं, देखो तो ये अभी जो है चौथा राउंड स्टार्ट हुआ है, और सामने से आप देख पा रहे हैं ऊंट जो है वो आ रहे हैं। यदि इस तालियों को आपको लगता है कि जोरदार है, फिर कमजोर क्या होगा? कोने कोने से आपकी तालियां बजे। हमारे जो व्यवस्था से जुड़े हुए जो साथी हैं, ये भाई लास्ट राउंड, और लास्ट राउंड में ये वाला ऊंट जीत गया। देखो उस तरफ में दो आए थे बट वो लेट ऑफ हो गए हैं, ये भाई साहब सबसे आगे आए हैं। तो ये अभी बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले गया है, और ब्रेक के अंदर चल रहा है रस्सा कस्सी का जो गेम है, वो दो टीमों के अंदर फॉरेन और इंडियंस मेल के अंदर चल रहा है। और अब आपको दिखाते हैं, ये है कि जैसे ही विसल बजेगी आएंगे तो ये वाली विलनर रहेंगे। इस तरफ में जो है वो फॉरेनर है सारे, और इस तरफ में जो है वो है अपने लोकल लोग होता है। ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट अगर जिस तरफ जाएगा वो हार और जीत उसी तय होगी। दे नो द रूल, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू। वंस दे प्ले द विसल, यू कैन बैंग ऑन योर टारगेट एंड ऑल द बेस्ट टू यू। अंग्रेजी भाई, आई टेल यू द पास्ट हिस्ट्री दैट ऑलवेज दे आर द विनर साइड। अभी होने जा रहा है स्टार्ट, ये होगा। और इसी के साथ जो राजमाइस देखना, ये है कि बाजरे का सोगरा पिज्जा पे भारी पड़ता है या पिज्जा इस बार इनको खींच के ले जाएगा अपनी तरफ। क्या खेर सांगरी चाउमीन पे भारी पड़ेगी, या ये ब्रेड मक्खन खाने वाले इस बार के विजेता होंगे। बहुत ही तगड़ी टीम है इस बार, बहुत ही तगड़ी टीम, विदेशियों के द्वारा जोरदार टक्कर दी जा रही है आज टीम तो को इस बार। क्या बात है, क्या बात है, मुकाबले हुए हैं, मुकाबला है। ले गए ले गए, अपने वाले ले गए। नहीं 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 नहीं, अपने वाले ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए। ये वनी 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 दमदम चल रहा है, कम बैक किया भाई। तकड़ी रणनीति अपनाई है, 1 2 3 4 कहते हैं, सभी एक साथ जोर लगाते हैं। क्या हमारे साथी थक चुके हैं? क्या कमाल का भाई ये देखने को मिला है, थोड़ा सा और बस थोड़ा सा, ये जीत गए भाई, जीत गए भाई, जीत गए अपन, जीत गए। आज फॉरनर जो है उनको हार का सामना करना पड़ा है, कल जीत गए थे। कौन सा ग्राउंड था? टेढ़ासर में ये कल जीते थे, आज हम सब में जीत गए। बस बस पिज्जा बर्गर वालों पे बाजरे की रोटी भारी पड़ी, बाजरे की रोटी भारी पड़ गई। शाबाश शाबाश शाबाश, वेल डन।
बहुत शानदार, बहुत जोर लगा भाई, गोरे भी बहुत अपना जोर लगा वेरी वेल। मतलब दो तीन मिनट का ये गेम पूरा चला है तो आप समझ लो जान कितने लगे हो जाते हैं। टेक्निक थी जैसे बहुत ही कड़ी टक्कर थी और हाँ टेक्निक के थ्रू दी गई, टेक्निक के थ्रू तो मस्त लगा देख के ना। कल हमने देखा था दूर से देख रहे थे, आज एकदम नजदीक से देखा ये गेम। लेकिन अभी मजा आया, हो सकता है कल के मुकाबले आज का जो गेम था ना ये वो देखने में मजा आया क्योंकि एकदम नजदीक से हम देख रहे थे और दोनों में कितनी जान लग रही है, हिम्मत लग रही है वो पता चला और आखिरकार हम जीत गए। तो भाई अभी जो रस्सा कसी का गेम था वो फिनिश हुआ है और अभी स्टार्ट हो चुका है कैमल डांस का प्रोग्राम। और ये देखिए आपके सामने कैमल ऊंट नाच रहे हैं और ऊंट चारपाई के ऊपर भी चढ़ जाते हैं भाई। ये देखो चढ़ गया ना उसके ऊपर में नाचेंगे, देखो गजब है यार। ये है मरु फेस्टिवल, डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान का, जैसलमेर का। स्टार्ट हो रहा है जो ऊँट की लास्ट रेसिंग है ना वो स्टार्ट हो रही है, उसके बाद में जो रेसिंग का रिजल्ट रहेगा वो निकलेगा। बाकी उससे पहले आपको कैमल की डांस दिखाया, कैमल का और उसका घोड़ों का डांस दिखाया, वो कैसा लगा भाई बताना। मेरे को तो बहुत ही जबरदस्त लगा, मजा आया। कैसा लगा भाऊ? एकदम फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट क्लास था ना। मैंने जिंदगी में पहली बार ये डांस देखा। क्या बात, ऊँट भी डांस कर सकता है, तो घोड़े का डांस, ऊँट डांस कर सकता है, ये राजस्थान है यहाँ सब कुछ डांस करता है भाई। ऊँट का देखा नहीं था, गजब लगा। मतलब ऊँट का डांस देखा है मैंने बहुत बार बट आपको फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ, अच्छा लगा। अभी लास्ट रेस होती है, रेस देखते हैं कैसा रहता है क्योंकि पहले दो तीन राउंड हुए थे उसमें जो पहले दूसरे नंबर पे आए थे ना उनको इसमें फाइनल में जोड़ा जाएगा और जो जीतेगा वो विजेता रहेगा। तो गाइस अभी जो है वो फाइनल रेस जो है वो स्टार्ट हो गई है कैमल की। देखो सामने से ऊँट आते हुए आपको दिख रहे होंगे, वो ये बहुत दूर है, बहुत दूर है, कम से कम नहीं तो यहाँ से आधे किलोमीटर से ज़्यादा दूर से आ रहे हैं। 10 ऊँट एक साथ दौड़े हैं और जिनके पीछे बाइक वगैरह आ रही है अगर कोई गिर जाता है तो उसके लिए। और ये आ चुके हैं नज़दीक, लोग बीच में आ जाते हैं और जो विनर है उधर भी है, ये देखो वो जो सामने आ रहा है और इस तरफ भी आ रहा है। अपने को उठना पड़ेगा, उठो उठो, नहीं 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 नहीं, वो गिर गया, ये देखो ये गिरा और ये उसके पीछे दूसरा ऊँट, ऐसे गिर जाते हैं भाई, ऐसे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। जो जीतने वाला है वो उस तरफ गए हैं, वो जीते हैं भाई। फाइनल जगह पे आके ऊँट गिर गया है यार, विजेता था ये, जीतने वाला था बट गिर गया। तो अभी सब लोग अंदर घुस रहे हैं, क्यों घुस रहे हैं ये नहीं पता बट सारे लोग अंदर आ रहे हैं। इस तरीके से होती है ऊँट की रेस, गजब लगता है भाई। दूर से जब आ रहे होते हैं ना तो डर लगता है एक बार को कि भगना पड़ेगा, रुकेगा नहीं रुकेगा क्योंकि ऊँट कंट्रोल नहीं होता जल्दी से। बस ये लास्ट प्रोग्राम है, इसके बाद में कोई प्रोग्राम नहीं है, अब उनका इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा। तो भाई ये था यहाँ का आज लास्ट डे जो फेस्टिवल का था और देखा हमने, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बढ़िया था देख के भाई, मज़ा आ गया, फर्स्ट टाइम था। अब रात में भाई कैंपिंग करेंगे, जो आपको पीछे डेजर्ट दिख रहा है ना सेम के डेजर्ट में हम आज रात को कैंपिंग करेंगे और मज़ा करेंगे। तो मिलते हैं सीधा नाइट में वो पीछे धोरों के ऊपर। और वहाँ देखो भाई सामने हो रहा है सनसेट, क्या ही प्यारा नज़ारा आ रहा है भाई, पेड़ बीच में है, अगर थोड़ी गाड़ी वगैरह नहीं होती ना तो और भी ज़बरदस्त दिखता। क्या आज ऊँट देखे भाई हमने, क्या ही देखे। और ये पूरा रेगिस्तान है ऊपर है ना, मतलब डेजर्ट सफारी कैमल सफारी वगैरह होती है यहाँ पे, तो रात में कैंपिंग करेंगे उसका एंजॉय करेंगे अपन। तो भाई अभी बज रहे हैं रात के लगभग 10:30 के आसपास का टाइम और हमने कर लिए कैंपिंग, वो भी सम के डेजर्ट में और ख़तरनाक वाली जगह कैंपिंग की है। सुबह आपको ना पूरी जगह दिखाएंगे कैसा दिख रहा नज़ारा। ये अपनी बाइक खड़ी है और सामने की तरफ कर रखी हमने कैंपिंग, ये रहा भाई अपना टेंट लाजवाब सा, और अंदर बन रही है चाय, बहू को चाय पीने का है, अभी दवाई खा रहे हैं और बिस्किट वगैरह खाएंगे क्योंकि खाना खाए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, दवाई खाते हैं अपने बहू
और ये देखो लोकेशन थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, रात में वैसे दिखेगा तो नहीं, पर ये देखो चारों तरफ रेत ही रहता है, देख रहे हो, ये पूरी दूर तक रेत ही रहता है जो आपको दिख रही है ना, इस तरीके का है पूरा नज़ारा। मज़ेदार जगह कैंपिंग की है और रात में भी सफारी की जा रही है भाई, देखो डेजर्ट सफारी देख रहे हो, लोग रात में खूब एकदम इंजॉय कर रहे हैं, इधर पूरे टीले टीले हैं, गजब मजा आएगा। क्या भाऊ कैसा है नज़ारा? अभी ये बहुत गर्म हो गया। क्या गर्म हो गया? चाय तो गर्म मांगता है ना, होने दो गर्म। नहीं लेकिन ये हाथ पकड़ नहीं सकता है ना ऊपर, इसको हमारे रखो, चलो चाय बनाते हैं, चाय वाय पीते हैं, एंजॉय करते हैं और सुबह आपको कैंपिंग के नज़ारे दिखाएंगे। सुबह जब उठेंगे ना मॉर्निंग में, क्या ही नज़ारा रहने वाला भाई। कल का वीडियो जरूर देखना और आज के वीडियो को जाते जाते लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब, चैनल को अगर नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके फिर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बोलना, बाय बाय।